आज हमने यहाँ पर इतने सारे बीन्स हार्वेस्ट कर लिए हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितने सारे बीन्स अपने पौधे में अभी भी लगा हुआ है। सब्सक्राइब कीजिए रूप गार्डनिंग चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रूप गार्डनिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप बीन्स को घर में किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान प्रोसेस सिखाऊंगा जिससे आप अपने घर में एक छोटे से पॉट में बीन्स को ग्रो कर सकेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बीन्स के सीड्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो बीन्स का सीड यूज कर रहा हूँ इसके ऊपर पहले से ही लाल कलर का एक फंगिसाइड का लेयर दिया हुआ है। अगर आपके सीड में इस तरीके का कोई कोटिंग नहीं है तो फिर आप अपने बीन्स के सीड को थोड़ा सा फंगिसाइड में अच्छी तरीके से मिला लें। उसके बाद हम इसे किसी डब्बे में रख कर एक दिन के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। एक दिन के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम अपने बीन्स के सीड्स को इस पानी से निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इनको ग्रो करेंगे। बीन्स को ग्रो करने के लिए मैं यहाँ पर 7 इंच का ग्रो बैग यूज कर रहा हूँ। एक 7 इंच के ग्रो बैग में हम बीन्स के 2 पौधे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप 9 इंच का ग्रो बैग यूज करेंगे तो फिर आप 3 बीन के पौधे उसमें ग्रो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 पौधे इसमें लगा रहा हूँ। उसके बाद जब पौधे अपना हेल्दी हो जाएंगे तब हम उसमें से 2 पौधे निकाल देंगे। अपनी उंगली की मदद से हम इस मिट्टी में थोड़ा सा छेद करेंगे। उसके बाद उस छेद में हम बीन्स के एक एक सीड्स को रखेंगे। उसके बाद मिट्टी से थोड़ा सा कवर कर देंगे। इस तरीके से हम बीन्स के सीड्स का सीडलिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम इस ग्रो बैग में भरपूर पानी देंगे और पूरे मिट्टी को गीला कर देंगे। इसके बाद आपको फिर से दोबारा पानी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जो पॉटिंग मिक्स यूज किया है इस पॉटिंग मिक्स में 40% कंपोस्ट और 60% गार्डन सॉइल है। 10 दिन के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो चुके हैं। यहाँ पर अपने 4 पौधे में से 4 पौधा ही जर्मिनेट हो गया है। अब इस पौधे से हम 2 हेल्दी पौधे छोड़कर बाकी 2 पौधे को निकाल लेते हैं। सबसे अच्छा होगा आप दोनों तरफ से 2 पौधे रखकर बाकी को हटा दें। पौधे का इस स्टेज से ही आप हर 10 दिन में एक बार पौधे में मास्टर केक का लिक्विड फर्टिलाइजर देना शुरू कीजिए। इसके साथ साथ आप पौधे को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हर 7 दिन में एक बार पौधे में नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। 5 दिन के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू हो गया है। यहाँ पर मैंने कुछ पौधे उठा के वापस लगाए थे। 10 दिन के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने पौधे में फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं और बहुत ही जल्दी वो बीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। पौधे का इस स्टेज में यानी जब पौधे में फ्लावर्स आना शुरू हो जाए तब से आप हर 15 दिन में एक बार पौधे में सीवीड स्प्रे कीजिए। सीवीड के बारे में डिटेल में वीडियो बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना कि किस तरीके से सीवीड यूज करना है। इससे आपके पौधे में फ्लावर्स और बीन्स बहुत ही जल्दी और बहुत ज्यादा फलेंगे।
25 दिन के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना पूरा पौधा ही बीन्स से भर चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे बीन्स अभी भी पौधे में लग रहे हैं। हमने बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बीन्स को ग्रो किया है और आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अपने पौधे में हुआ है। अपना हर पौधा बीन्स से भरा हुआ है। अपना बीन्स आप बिल्कुल रेडी है हार्वेस्ट करने के लिए, तो चलिए इनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। सच में अपने ही घर में बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से वेजिटेबल ग्रो करके उसे हार्वेस्टिंग करने का जो मजा होता है वो मैं आपको कह के भी नहीं समझा सकता। यही था आज का वीडियो। आप घर में बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से किस तरीके से बीन्स ग्रो कर सकते हैं इसके बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। आज हमने यहाँ पर इतने सारे बीन्स हार्वेस्ट कर लिए हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितने सारे बीन्स अपने पौधे में अभी भी लगा हुआ है।